बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सनाज़ किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू और चिकन के कबाब रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार से कबाब होते हैं, आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएंगे। तो इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो भी तकरीबन हमारे किचन में पहले से मौजूद होती हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। 250 ग्राम मैंने आलू लिए हैं, इनको मैश कर दिया अच्छे से। 250 ग्राम ही चिकन है, इसको भी अच्छे तरीके से चॉप कर दिया है बॉईल करके। और थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे, दो हरी मिर्च बारीक काट लेंगे, और एक अंडा, और नमक और काली मिर्च हसबे ज़रूरत लेंगे। ऑयल जो है वो भी बिल्कुल अपने हिसाब से ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं हमें चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। इनको हरा धनिया शामिल करेंगे, हरी मिर्च, नमक अपने जायके के हिसाब से, और काली मिर्च वो भी जायके के हिसाब से। हमने हरी मिर्च भी शामिल की है इसीलिए काली मिर्च भी उसी हिसाब से शामिल करेंगे। तो अब हम इनको अच्छे से मिक्स करके इनके कबाब बना लेते हैं जी। तो कबाब हमने बना लिया, अब हम इनको फ्राई कर देते हैं। अंडे को हमने थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे तरीके से फेंट लिया है, तो अब हम इनको फ्राई कर देते हैं जी। तो पैन हमारा गर्म हो गया, अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, कबाब डालेंगे अंडे में डिप करके जी। तो देखें लाइट गोल्डन सा कलर आ गया इनका, फिर हम इनको थोड़ा सा डार्क करेंगे, बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाता है। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, आप भी बनाएं, ट्राई करें, आपको पसंद आएगी जी। तो देखें इनका बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है, जिस तरह का हमें चाहिए। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे, गोला शेप के कबाब बनाए हैं वो डाल देंगे। बहुत ही झटपट सी रेसिपी है, फौरन से तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता जी। तो इनमें भी बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है, अब हम इनको भी निकाल लेते हैं प्लेट में जी। तो हमारे जो आलू चिकन के कबाब हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। कुछ हमने गोला शेप में कर दिए, कुछ टिक्की शेप में। आप भी जो शेप आपको पसंद हो वही कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।